नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बंसीलाल। आप देख रहे हो कुमावत के टेक्निक जुगाड़ चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास घड़ी है और घड़ी में पानी घुस गया है तो उसको कैसे निकाल सकते हो आसानी से। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो मेरी घड़ी में पानी घुस गया है और इसके अंदर तारीख भी देख सकते हो, 30 तारीख बता रहा है। और ये अभी गारंटी के अंदर है दोस्तों, तो मैं इसको खोलूँगा नहीं और ऐसे ही पानी निकालूँगा, क्योंकि अगर खोलता हूँ तो गारंटी इसकी समाप्त हो जाएगी। और ये टाइटन की महंगी वाली घड़ी है दोस्तों, तो मैं इसको आसानी से आइडिया बताता हूँ अच्छा आपको, अगर आपके भी घड़ी में अगर पानी घुस जाए बारिश के टाइम में तो आप आसानी से कैसे निकाल सकते हो उसको। तो दोस्तों, आप देख सकते हो अच्छे से कैसे पानी घुस गया है। और ये जो मेरे पास सिलिकेट देख रहे हो आप, ये सिलिकेट आपको शायद कोई नया वगैरह सामान लेते हो आप, पंखा, तो उसमें निकलता है दोस्तों। ये मेरे पास बड़ा पैकेट है सिलिकेट का, ये मैं फ्रिज लिया उसके साथ में आया था, तो मैंने एक थैली में बांध के रख दिया साइड में। और जो छोटा सिलिकेट का पैकेट है वो कुछ पंखा वगैरह अपन लेते हैं उसके साथ में आता है दोस्तों, तो उसको कभी भी आप फेंकने का नहीं। और सिलिकेट का जो पैकेट आता है छोटा सा, उसको थैली में बांध के साइड में रख देना है। कभी भी सामान लेते हो तो एक एक करके 2, 3, 4, 5 जितना भी हो जाए इकट्ठा कर लेने का, थैली के अंदर बांध के रख देना साइड में, खुला ओपन में नहीं रखना है दोस्तों, उसको थैली के अंदर बांध के रख देना है। और मैं अभी ये बड़ा वाला पैकेट है दोस्तों, उस ये सिलिकेट इसको मैं ले लिया हूँ और ये घड़ी के अंदर डाल देता हूँ दोस्तों। घड़ी का पट्टा बांध दिया है पीछे से और अंदर डाल दिया सिलिकेट। और ये छोटा वाला भी मैं थोड़ा जगह है तो उसमें भी ये भी डाल देता हूँ, वैसे एक डाल दिया तो भी बस हो गया, लेकिन थोड़ा जगह है तो ये भी डाल देता हूँ। और पानी देख सकते हो आप आराम से, ये पानी दिख रहा है एकदम क्लियर। और मैं इसको अब डाल दिया है इसके अंदर, और अब इसको मैं खुले में नहीं रखना दोस्तों, इसको थैली के अंदर पैक करके रख देना। और अभी जो डालते समय देखा है, शायद घड़ी में आपने अगर टाइम नहीं देखा तो देख सकते हो कि इसमें 10 बज गया है दोस्तों, ये रात का टाइम है दोस्तों, रात का 10 बजा है, क्योंकि काम से आने के बाद मैं अभी घड़ी खोल रहा हूँ तो पानी भरा हुआ है, तो मैं बोला चलो निकाल लेता हूँ और मेरे दोस्तों को भी बताता हूँ। और सिलिकेट को एक थैली में डाला है और एक बड़ा थैली और उसमें डबल डाल देता हूँ, ताकि हवा बाहर का नहीं लगे उसको, और पेटी पैक रहे अंदर। अगर बाहर का हवा लगेगा दोस्तों तो बारिश का टाइम में वैसे भी पानी निकलेगा नहीं मॉइस्चर, तो मैं इसको अच्छे से पैक करके रख देता हूँ। और सुबह का 10 बजे वापस मैं निकालूँगा इसको, और अभी रख दिया दोस्तों। और अब मैं वापस खोलता हूँ दोस्तों, सुबह का 10 बज गया है और अभी दिखा सकता हूँ, इसमें तारीख भी 31 हो जाएगा घड़ी के अंदर अगर आप देखोगे तो, क्योंकि 30 तारीख को रात को डाला था तो रात में 12 बजे के बाद तारीख बदल जाता है दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हो इसमें तारीख बदल गया है, 31 तारीख हो गया दोस्तों, ये देख सकते हो आप। और सुबह का 10 बज रहा है, अभी काम पर जाने का समय हो गया, तो मैं खोल देता हूँ दोस्तों। और इसके अंदर पानी भी देख सकते हो आप कि 80% पानी तो निकल गया है दोस्तों, लेकिन एक दिन में अगर इतना क्लियर नहीं निकलेगा, क्यों 100% नहीं निकलेगा दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये पानी गायब हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं 80% ही बोलूँगा, 100% नहीं बोलूँगा, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत अंदर रहेगा और हाथ पे बांधने पे हाथ का गर्मी रहेगा तो फिर से ऊपर आ जाएगा कांच के ऊपर पानी, तो एक दिन में पूरा पानी निकलेगा नहीं दोस्तों। और जैसे आप काम से आते हो तो वैसे ही रोज़ रात को इसी के अंदर लपेट के रख देना अगर पानी होए तब तक। और देख सकते हो आप, ये सुबह का 10 बजा हुआ और 31 तारीख बता रहा है घड़ी के अंदर, और पानी ऊपर का निकल गया है और हल्का फुल्का रहेगा 20%, वो मैं कल आके वापस रखूँगा तो निकल जाएगा। और अब मैं काम पे जाने का समय हो गया दोस्तों, तो मैं हाथ में बांध के निकल जाता हूँ। और दोस्तों, अगर आप रोज़ आते हो काम से तो फिर ये, अगर आप मेरे पास ये टाइटन का घड़ी का डब्बा है दोस्तों, तो ये डब्बे के अंदर आपको सिलिकेट डाल देना है, और सिलिकेट डालने के बाद घड़ी को रोज़ आते के इसमें रख के सो जाना है, तो सुबह तक आप एकदम क्लीन पाओगे, वह निकल जाएगा पानी वगैरह थोड़ा बहुत रहेगा वो। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी पानी निकाल लेना घड़ी का, और आसानी से निकाल सकते हो पानी। और ये सिलिकेट बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, कहीं भी अगर सिलिकेट निकलता है कोई नया चीज़ लेते हैं अपन उसमें, तो इसको फेंकने का नहीं, और ऐसे जैसे मैं यूज़ में ले रहा हूँ वैसे ले सकते हो। और ये आसानी से घड़ी का पानी एक बार में 80% निकल गया दोस्तों, 2-3 दिन लगातार रखोगे तो एकदम पानी 100% निकल जाएगा क्लियर। और दोस्तों, अगर ज़्यादा पानी भर गया और झूना घड़ी आपका, तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो हमारा?